हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस ट्वीट है। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आईएसओ इमेजेस को आप बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के डायरेक्ट पावर शेल कमांड की हेल्प से कैसे माउंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, माउंट के बारे में आपको पता होगा, काफी सारे सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, गेम्स ऐसे हैं जो आईएसओ इमेज में हमारे सिस्टम में डाउनलोड होते हैं, लेकिन उनको रन करने के लिए हमें किसी थर्ड पार्टी टूल की जो उस इमेज को माउंट कर सके या फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट करके फिर रन कर पाते हैं। लेकिन यहां पर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज यहां पर मेरे पास एक गेम है ट्रेन सिमुलेटर, जिसकी दो डिस्क हैं, डिस्क वन और डिस्क टू। ठीक है, मेरे पास यहां पे कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई टूल नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट माउंट करूंगा विद द हेल्प ऑफ पावर शेल स्क्रिप्ट। ठीक है, कैसे माउंट करूंगा, चलिए मैं आपको बता देता हूं। माउंट करके वो ड्राइव कहां पर शो होती है, आपकी आईएसओ इमेज कहां पर शो होती है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। फाइल एक्सप्लोरर में यहां पर एक अलग से वर्चुअल ड्राइव यहां पे क्रिएट हो जाती है जब आपकी डिस्क माउंट हो जाती है। कैसे माउंट करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर आप सर्च में जाएंगे, पावर शेल टाइप करेंगे, विंडोज पावर शेल मैंने टाइप करा, इसको ओपन किया, देन इस तरीके का ब्लू इंटरफेस ओपन होगा, आपको पता होगा क्योंकि काफी सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं इस पर। ठीक है, यहां पर आपको एक कमांड लिखनी है। कमांड क्या होगी आपकी, आप यहां पर लिखेंगे माउंट, देन एक डैश यानी कि हाइफन, और यहां पर लिखेंगे डिस्क इमेज। ठीक है, देन उसके बाद एक स्पेस देंगे, देन यहां पर लिखेंगे एक डैश और उसके बाद इमेज पाथ। ठीक है, इमेज पाथ के बाद आप एक स्पेस देंगे, और स्पेस देने के बाद आप जिस आईएसओ इमेज को यहां पर माउंट करना चाहते हैं अपने सिस्टम में उसका पाथ यहां पे लिखेंगे। तो मेरी जो आईएसओ इमेज है वो गेम की आईएसओ इमेज है। ठीक है, डिस्क वन को मैं माउंट कर लेता हूं, इस इमेज को मैं सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट के साथ राइट क्लिक दबाऊंगा तो यहां पर मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा कॉपी इस पाथ, इस पर क्लिक करूंगा तो मैं इसका पाथ डायरेक्टली कॉपी कर चुका हूं। अब मैं वापस से अपनी पावर शेल कमांड में आता हूं और यहां पर कंट्रोल वी दबाकर इसका पूरा पाथ यहां पर कॉपी कर देता हूं। आप देख सकते हैं माउंट डैश डिस्क इमेज स्पेस डैश इमेज पाथ स्पेस, आप देख सकते हैं उसका पूरा पाथ यहां पर आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे डिफरेंस कि ये कैसे यहां पर क्रिएट होगी एक नई वर्चुअल ड्राइव इस पर्टिकुलर इमेज की। तो मैं यहां पे आपको जस्ट एंटर बटन प्रेस करके बताता हूं, आप देखेंगे यहां पर कि ऑटोमेटिकली ये आईएसओ इमेज यहां पे माउंट होकर आ जाएगी। तो मैं एंटर बटन दबाया मैंने यहां पे, आप देख सकते हैं प्रोसेस हो चुकी है इमेज, और यहां पर एक नई इमेज, एक नई ड्राइव यहां पर क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, जिसको आप डायरेक्टली रन कर सकते हैं। अब ये मेरी गेम की ड्राइव है। ठीक है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट ये मेरा गेम इंस्टॉल होने के लिए रन हो चुका है। ये मेरे सिस्टम में पहले से गेम इंस्टॉल है, इसलिए प्ले का ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज यहां पर इंस्टॉल का ऑप्शन आपके पास डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, आपके पास कई बार सिचुएशन ऐसी भी होती है कि मल्टीपल डिस्क होती है, तो आप इसको, आपके पास वहां पर ऑप्शन आता है डिस्क वन का इंस्टॉलेशन हो चुका है, अब डिस्क टू आप इंसर्ट कीजिए, तो उस केस में आप यहां पर राइट क्लिक करके इसको इजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमारे पास पहले सीडी या डीवीडी ड्राइव होता था, हम एक सीडी निकाल के दूसरी सीडी डाल देते थे, ऐसे हम यहां पे राइट क्लिक करके इसको इजेक्ट कर सकते हैं तो ये गायब हो जाएगी। ठीक है, अब सपोज मुझे यहां पे दूसरी डीवीडी या फिर सीडी इंसर्ट करनी है, तो मैं वापस से पावर शेल स्क्रिप्ट में जाऊंगा, सेम कमांड में यहां पे रन करूंगा, यहां पे लिखूंगा माउंट डैश डिस्क इमेज स्पेस डैश इमेज पाथ। ठीक है, इमेज पाथ के बाद आप एक स्पेस देंगे और जो सेकंड आपकी जो ड्राइव है जो आपसे कह रहा है कि भाई वॉल्यूम टू इंसर्ट कीजिए, तो मैं उसका पाथ यहां पे राइट क्लिक करके, शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करके कॉपी एज पाथ करूंगा, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं और यहां पे पेस्ट कर देता हूं, और अब आप देखिए मैं इसको एंटर बटन प्रेस करता हूं तो यहां पर जो सेकंड ड्राइव है वो यहां पे आ गई है। ठीक है, इस तरीके से रन होता है और इस तरीके से आप माउंट कर पाते हैं और यूज कर पाते हैं ISO इमेजेस का, कोई भी ISO इमेज हो। ठीक है, वो यहाँ पे आप इस तरीके से माउंट कर सकते हैं विदाउट एनी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, इजेक्ट करना हो राइट क्लिक करके इजेक्ट। आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।